नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको सुबह के आलस्य को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वह सुबह उठते हैं तो उनके शरीर में दर्द या थकावट जैसे लक्षण उभर आते हैं या फिर उन्हें सुबह उठने में बहुत अधिक आलस्य आता है। दोस्तों सुबह उठने में आलस्य आने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण रात को अच्छी नींद न ले पाने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, फिजिकल और मेंटल वीकनेस होने के कारण, कोई व्याधि विशेष की स्थिति में भी सुबह उठने में शरीर में आलस्य छाया रहता है। दोस्तों इन योगाभ्यासों को आप सुबह उठकर 10 से 15 मिनट अपने बिस्तर पर ही प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और यह अभ्यास हमारे शरीर को चुस्ती फूर्ति से भर देते हैं। आइए देखते हैं कि सुबह के आलस्य को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मरजारी आसन। दोस्तों इस अभ्यास को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर ही श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप सुबह उठें आप ऐसे बद्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे एक टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आ जाते हैं। अपने घुटनों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को ऐसे नीचे की तरफ करना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करना है। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर से दर्द थकावट जैसी समस्या भी दूर होती है और इसे अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिलाकर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए अब हम करेंगे प्रणाम आसन। सबसे पहले आपने ऐसे ही बज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही इस प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहें। जब आप इस अभ्यास को कर रहे हो आपने अपनी आंखों को खोलकर रखना है और अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर ही रखना है। या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे सीधे ऐसे ही से आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशांक आसन। ऐसे ही बज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे ऐसे आगे से फैला लेते हैं, जितना आप फैला लेते हैं, और अपने हिप्स को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी ठोड़ी को अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को ऐसे खोलते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर धीरे धीरे सीधे इसके बाद अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने माथे को या फिर अपनी छोटी को जमीन पर ऐसे लगा लेते हैं। जब आप इन अभ्यासों को कर रहे हो तो आपने इस दौरान अपनी आंखों को खोलकर ही रखना होता है। सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए हम करेंगे अर्धचंद्रासना और उष्ट्रासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही बज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर आपने ऐसे ही घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और अपनी आंखों को आपने खोल के रखना होता है और फिर
सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। अब इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसे अपने घुटनों के बीच में से थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे से भी फैला लेते हैं, इससे इस अभ्यास को आप आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने राइट हाथ को ऐसे अपने कान के पास ले जाते हुए ऐसे अपने हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ लटका लेते हैं। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही इस उष्ट्रासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों इस उष्ट्रासना को करने से हमारे शरीर में उठ रहा हर प्रकार का दर्द दूर होता है और यह सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए सबसे सरल और सहज अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द या सर्वाइकल पेन की समस्या रहती है, उन लोगों ने इस उष्ट्रासना को 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कान के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ लटका लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर सीधे।